चलो बाबू अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फाइव तक हो गया तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लो। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, पार्टिकल वेट्स 120 न्यूटन यानी डब्ल्यू क्या हो गया 120 न्यूटन। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सर्फेस बुलेट्स की वेट वुड बी 30 न्यूटन। यानी क्या कह रहा है, 120 न्यूटन जिसका क्या है वो अर्थ पर उसका भार है 120 न्यूटन, ठीक है। धरती से इसको कितना ऊपर लेके चले जाए इसका जो वेट है क्या हो जाए 30 न्यूटन हो जाए, यानी W2 इसे कर लेते हैं तो यानी क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। तो यहाँ से बाबू एक बात को तो सोचो, ये वस्तु के ऊपर या नीचे जाने पर द्रव्यमान में परिवर्तन आता है कि भार में परिवर्तन, जवाब मिला कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, जितना इसका मास होगा वही उतना ही इसका भी मास होगा, ठीक है। तो दोनों में चेंजिंग किसका होगा, ग्रेविटेशन। ऊपर जाने पर क्या होता है, ग्रेविटेशन कम जाता है। यहाँ से ध्यान से देख लो तो यहाँ पर मास देख लो तो W1 बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाता है, यहाँ पर लिख लो। और W2 बराबर क्या हो जाएगा m और क्या जिसे हम लिख लेते हैं g प्लस लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के g में अंतर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो W1 बराबर तो W1 तुमको दे दिया ना कितना 120 न्यूटन। मास तुमको नहीं ना पता है मगर जी का वैल्यू पता है कितना होता है 10 होता है, सहूलियत के लिए ले लो 10। तो यहाँ से एम बराबर क्या हो जाएगा तुमको 12 केजी आ जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू कितना गया 12 केजी, एक 12 केजी बना जा रहा है बाबू यहाँ पर धरती के ऊपर। तो यहाँ से निकाल लो तो 30 न्यूटन ना 30 बटा एम 12 ना तो 12 गुने जी डैश। तो यहाँ से जी डैश का वैल्यू आ जाएगा 30 बटा 12 यानी 12 दूना 24 बचे 23 यानी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 24 12×5 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया तुमको जी टेस्ट का। अब कह रहा है कितना ऊंचाना है, इसके लिए एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए होंगे, नहीं बताया तो जान लो क्या फॉर्मूला होता है। जी टेस्ट बराबर क्या होता है, जी इंटू आर बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर। ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जी टेस्ट तो हमने निकाला, जी टेस्ट यानी नया एक्सप्रेशन। ये जी डेस हमने कितना निकाला है 2.5 ना, 2.5 पुट कर दो तो 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, जी कितना है 10 ना 10। तो आर का वैल्यू कितना हो जाता है 6400 किलोमीटर जानते हो, और 64 से हो जाएगा एच को एच रहने दो स्क्वायर कर, ये 2.5 बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ये तो जो है सो ही ना, तो 6400 बटा 6400 प्लस एच और इस सब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ जाओ तो डेसिमल हटेगा यानी 25 चौका 100 ना तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 होगा ना तो ये स्क्वायर बड़े इधर आके रूट में हो जाएगा ना, तो 1/4 को रूट में डाल दो, बच क्या जाएगा तुमको 6400 बटा 6400 प्लस एच हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट गया ना सिर्फ ही हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा डार्क कर लिया तो 1/4 है नहीं, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2 ना, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 6400 बटा 6400 प्लस क्या हो जाएगा एच ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6400 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा 6400 से गुना करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1280 यानी एच बराबर क्या हो जाएगा 1280 और माइनस 6400 ना, यानी यहाँ से क्या बचेगा तुमको सिर्फ 6400 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 6400 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो यानी क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर यदि तुम ऊपर लेकर जाओगे तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ द अर्थ श्रिंक्स सच दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेड टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलो यानी तुमको कह रहा है कि सपोज करो कि अर्थ क्या श्रिंक हो, श्रिंक मतलब क्या हो जब थोड़ा सा क्या हो सिकुड़ जाए, ठीक है। तो अर्थ यदि श्रिंक्स होता है
इसका ग्रेविटेशनल वैल्यू पर क्या इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, और वो भी श्रिंक होने का से, तो इसमें क्या हो जाए कि डिक्रीज हो जाए, क्या इसका सिर्फ डिक्रीज हो जाए बाबू, सिर्फ रेडियस इसका डिक्रीज हो जाए हाफ द। मान लो कि पहले रेडियस आर का क्या होता है, मान लो कि पहले रेडियस आर हो जाएगा तो नया रेडियस अब क्या होना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, यानी आर बटा दो होगा, तब इसके जी पर वैल्यू का क्या पड़ेगा। तो जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो नए का कह दिया है, एक जी एम बटा आर स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू हमें क्या पता है अर्थ का, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता है। अब क्या कह रहा है कि जो नए का जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब इसका रेडियस क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो रेडियस आधा कर देते हैं, ठीक है, तो जी एम बटा आर के जगह पर क्या करते हैं, आर बटा दो के स्क्वायर, ना तो आर बटा दो के स्क्वायर, तो जी एम बटा यानी आर स्क्वायर यहाँ पर क्या चले देगा, या ऊपर चले देगा, दो के स्क्वायर चार ना तो चार ऊपर चले, तो देख लो तो ये जी एम बटा आर स्क्वायर है। अब क्या चार जी एम आर स्क्वायर ना, तो नया जो एक्सेलरेशन होगा, यदि हम अर्थ के यदि त्रिज्या को क्या कहते हैं आधा कर दें, नया जो एक्सेलरेशन होगा यानी जो त्वरण होगा क्या हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा चार गुना, यानी 9.8 रहेगा तो 9.8 में चार से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि बॉडी वेट 120 न्यूटन ऑन अर्थ फाइंड एप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून। देख लो बाबू अर्थ पर भार कितना है, 120 न्यूटन मतलब मून पर पूछा है, तो मून पर क्या कहता है 1/6 ना, 120/6 कर दो यानी 20 न्यूटन।